बार पाकिस्तान के लिए एक और स्पेशल इंटरव्यू के साथ आपके हाजिर हैं। आज हमारे साथ मेहुल निसाद समद मौजूद है, जिन्होंने एफएससी कॉमर्स ग्रुप में 2010 में फेडरल बोर्ड में नुमाया पोजिशन हासिल की है। हम उनसे बातचीत करते हैं। मेहुल निसाद, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर में मेरे फादर और मेरी मदर और मैं थे। लास्ट अभी इसी ईयर फरवरी में 9 फरवरी को मेरे फादर की डेथ हो गई और अब सिर्फ घर में मैं और मेरी मदर होते हैं। और आप अपने माँ बाप की एक ही औलाद? हाँ जी, मैं एक ही बेटी हूँ। और वाले सब क्या करते थे? मेरे फादर शॉप थी पहले, वो रिटायर्ड मतलब ऑयल फील्ड में होते थे, वहाँ से रिटायर्ड थे। अभी वो बिजनेसमैन, शॉप थी उनकी, अपनी शॉप थी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, थ्रू आउट आपकी जो स्टडीज चली हैं, आप पूरा करियर कैसे रहा है? थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं अच्छी थी स्टडीज़ में, हमेशा क्लास में पोजीशन फर्स्ट पोजीशन आती थी मेरी। उसके बाद मैट्रिक में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने अपने स्कूल के कैंपसेस में टॉप किया था। देन इन फर्स्ट ईयर आई सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन इन फेडरल बोर्ड। फिर उसके बाद मतलब एक इनक्रेजमेंट होगी तो मैंने फिर मतलब और ज़्यादा स्ट्रगल की और ये अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर में ये वाला ये लैंडमार्क अचीव किया कि मैंने आई सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन फेडरल बोर्ड इन कॉमर्स ग्रुप। इनक्रेजमेंट आपको कहाँ से मिली? मतलब जब मैंने फर्स्ट ईयर में सेकेंड पोजीशन ली फेडरल बोर्ड में तो आई थॉट कि आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई नेशन, फॉर माई कॉलेज एज वेल। तो मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल सर अख्तर शाद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर में मुझे मतलब इतना बड़ा लैंडमार्क अचीव किया मैंने। अच्छा, मैट्रिक के बाद कॉमर्स की फील्ड में आने का ख्याल? कॉमर्स में मुझे इंटरेस्ट था, आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दो साइंस ग्रुप साइंस सब्जेक्ट्स, दैट्स वाई सेलेक्टेड कॉमर्स। और दूसरा ये कि इकॉनमी पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा वीक है तो I wanted to do something for my country as well, that's why I opted for commerce. मैं आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी सी है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस अचीवमेंट के पीछे आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? Who was particularly instrumental in your career and your success? Both of my parents, my mother and my father, they were fully devoted towards me. Because I was the only child, so they wanted me to do very well. They always supported me throughout my life, throughout my career. हमारे लिए रुझान है कि बच्चों पे कम इन्वेस्टमेंट की जाए, बच्चों को कम तालीम दी जाए। आपकी फैमिली में क्या रुझान है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी फैमिली में, माशाल्लाह। मतलब मेरी पूरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उनके अलावा मेरी जो पूरी फैमिली में everyone in my family is very supported or supportive and everyone wants ki ladkiyan zyada se zyada study kare aur they think education is the most important thing for girls as well as for boys. Acha, mero nisab taleem ke bare mein nothing, not I don't think kuch hoti mein, I think sab zaruri hai. तालीम तो ऑब्वियसली आजकल तो जैसे कि मतलब एरा चल रहा है जो, इसमें तो मेरे ख्याल से तालीम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यू आर नथिंग विदाउट एजुकेशन। आपने आपने कॉमर्स की फील्ड चुनी है, बहुत सारे लोगों का, हमारे यहाँ बहुत सारी फैमिलीज का, बहुत सारे कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स का उनका ये ख्याल होता है कि उन्हें सिर्फ पढ़ा पढ़ा दें, थोड़े बहुत करने सिखा दें, इस्लामिक एजुकेशन बेसिक वो सिखाते हैं, दैट इज़ इनफ। नहीं, आई डोंट थिंक सो, दैट्स इनफ। यू शुड एक्वायर दैट इस्लामिक एजुकेशन एज वेल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन यू शुड डू समथिंग फॉर, यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ना, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द वर्ल्डली मैटर्स एज वेल। यू शुड एक्वायर एजुकेशन, यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरी थिंग एंड विच इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये आपके जो कैरियर है इसमें जो आपका तरीका था पढ़ाई का, वो क्या था? सीक्रेट तो ऐसा कोई नहीं है, बस ये है कि मैं हमेशा डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ, मतलब रेगुलर स्टडीज़ करती हूँ। ये नहीं कि एट द एंड मतलब एक दो महीना है तो बस यार पेपर्स आ रहे हैं तो चलो पढ़ लो भाई, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। फ्रॉम आई स्टार्ट माई स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो करिकुलम हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे यहाँ पढ़ाई का तरीका आ रहा है, वो
करिकुलम तो आई थिंक इट्स फाइन, बट जो हमारे यहाँ एग्जामिनेशंस का जो मतलब है सब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं सारे, आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट, क्योंकि होना चाहिए एमसीक्यू बेस्ड होना चाहिए. यू शुड टेस्ट द नॉलेज, नॉट द राइटिंग स्पीड ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपने नॉलेज को टेस्ट करना है तो वो आई थिंक एमसीक्यूज, अगर आप एमसीक्यूज बेस्ड पेपर्स आएँ तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से नॉलेज आपकी टेस्ट हो सकती है, नॉट कि आप तीन तीन चार चार पेजेस पे लिख रहे हैं. और आई थिंक दैट्स द वे ऑफ टेस्टिंग द स्पीड, राइटिंग स्पीड, नॉट द नॉलेज. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. आप समझती हैं हमारे जो जो तरीकाकार बढ़ाया जा रहा है, जो इस तरीके से कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल नॉट एज सच, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन होली. अभी जो है अगर मतलब आप जो हमारा है पैटर्न, बोर्ड का पैटर्न जो है उसमें जस्ट 20% इज मीन्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो उसमें आप MCU यू कैन चेक द कॉन्सेप्ट फ्राम MCQs ओनली, नॉट फ्राम द दोज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. दैट्स जस्ट बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन, दैट्स ऑल. आई डोंट थिंक सो. नहीं, सब कुछ नहीं कर सकते. नहीं, नेवर नेवर नेवर. सो मेनी देयर आर सो मेनी गर्ल्स थिंकिंग. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ आई एम गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक बॉयज. एनकरेजमेंट क्या है, सपोर्टिव क्या चीज है जो आपने ये सोचा? सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीवन हुम आई मेट इन माय लाइफ, all are supportive. My principal Sir Akhtar Shahad is very supportive, my parents are very supportive, and first of all my Allah Almighty is with me. So I don't think that I've ever thought this. ladki jab padhti hai chuzan science students lab mein padhti hai, logon ko zyada mauke hote hain, woh bahar jaate hain, apne instrument khareed sakte hain. ladki ko to ye hamare yahan ye discrimination hai, ya woh खुद ये सोचती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो सब डिस्क्रिमिनेशन तो आ जाती है. नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो आई डोंट थिंक ये डिस्क्रिमिनेशन है क्या लड़की बाहर नहीं जा सकती. अगर आप मतलब खुद से सही हो तो यू कैन गो आउट. आपकी फैमिली आई डोंट थिंक अगर मतलब नहीं आपको मना करती. मेरी फैमिली ने तो कभी मुझे मना नहीं किया. और जो चीज़ अगर आपको मतलब ज़रूरी तो नहीं आए कि बाहर जाएँ आप, अगर आपको एक चीज़ घर में बैठ के मिल जाती है, अगर आपको सारे फैसिलिटीज़ घर में अवेलेबल हैं या कॉलेज में या वेर एवर यू आर स्टडिंग, अगर इफ यू आर प्रोवाइडेड विद ऑल द फैसिलिटीज, देन यू डोंट नीड टू गो आउट. अच्छा, आपकी जो अब तक की स्टडीज है, आप डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है? No, not at all, not at all. School, college? No. कभी कोई ऐसा सच नहीं है. आप समझती हैं जेंडर डिस्पैरिटी, सनफी इम्तियाजात, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का खतरा मौजूद है हमारे? आई हैव नेवर फेस्ड दैट थिंग इन लाइफ, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. मतलब जो बैकवर्ड फैमिलीज़ हैं, आई थिंक दे डू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. दे थिंक दैट बॉयज़ कैन डू बेटर, बट नाउ अर डेज आई थिंक गर्ल्स कैन डू बेटर, बिकॉज फेडरल इन फेडरल बोर्ड. या मे बी दैट्स द रीज़न, बट यू कैन सी आई थिंक गर्ल्स आर डूइंग बेटर देन बॉयज़ नाउ अर डेज. बिकॉज लास्ट ईयर वी टुक पोजिशंस, वी टुक आर कॉलेज टुक 3 पोजिशंस इन फेडरल बोर्ड एंड ऑल वर गर्ल्स. माशाल्लाह, आई थिंक गर्ल्स आर गोइंग बेटर देन बॉयज. अच्छा, हमारे यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तानी खातून के बारे में जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है, डू यू थिंक इज इट एक्यूरेटली एंड फेयर? व्हाट डू यू मीन बाय द खातून घर में बैठी हुई है चार दीवारी के अंदर, उसको जो इंटरनेशनल मीडिया में कॉन्सेप्ट है, डू यू थिंक इज इट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट. वुमेन आर गोइंग आउट and they are equally supporting their country like the men are doing. aap kitni aisi ladkiyon se baat karte hain jinne impact dala on society, encouragement? encouragement, there are many women in my family who are doing good, who are supporting their family. I know many girls who are doing this. Our director, chairperson of federal board, Dr. Shaheen, she is also a woman, and she's mashallah such a big post.
I don't think he has ever faced any discrimination over which you are talking about. सपोर्ट तो किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हमेशा से करती आई हैं और अभी भी कर रही हैं, लेकिन एक कमी जो फादर की एक कमी जो है वो तो आई थिंक हमेशा रहेगी। I was the first one. You're the first one. So do you think you feel like you have made an impact on them? Yeah, I think. किस तरह की encouragement मिली है आपकी बाकी families में जो आपकी cousins हैं? अभी मतलब मेरी इस achievement के बाद मेरे तमाम cousins अपने बच्चों को कहते हैं कि you should be like her, you should study like her. That's the impact on them. They are also working hard. लड़कियों के लिए तालीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक कि एक लड़की होती है ना जो मतलब घर से एक घर जो होता है उसको लड़की ने ही चलाना, मतलब बाहर तो ऑब्वियसली आदमी जाता है या लड़का जो भी है वो बाहर जाता है, लेकिन एक घर का एनवायरनमेंट जो है वो लड़की ही या औरत जिसको आप कहते हो वही क्रिएट करती है ना, तो अगर एनवायरनमेंट ही मतलब अनएजुकेटेड होगा तो आई डोंट थिंक दैट्स गुड। ये सारा मतलब अभी आई डोंट थिंक कि ऐसा लोग कुछ सोचते होंगे, ये सारी जो बैकवर्ड फैमिलीज़ हैं ना ये सारा वो सोचती हैं। मेरी फैमिली में तो माशाल्लाह से कुछ भी इस तरह नहीं है कि लड़कियां हैं मतलब कमाने का, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई भी सोचता होगा, वो मतलब एक मेंटालिटी सिर्फ एक क्रिएट होगी है बैकवर्ड लोगों में कि यार नहीं बेटा हो मैं, दैट्स जस्ट अ मेंटालिटी नॉट द कॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। I don't think so.